महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई अनेक प्रेरक कहानियां हैं, उनमें से एक है मैं तो ठहर गया तू कब ठहरेगा। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उनका खूब सेवा सत्कार किया, पर सेवा सत्कार के साथ ही उस गांव के लोगों के चेहरे पर महात्मा बुद्ध ने भय और आतंक का साया देखा। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या बात है, आप सब क्यों डरे हुए हैं, मुझे बताओ क्या बात है। तब गांव के लोगों ने विस्तार से बताया कि हमारे गांव के नजदीक के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक डाकू रहता है। उस जंगल में जाने पर वह डाकू लोगों को लूटपाट करता है और फिर जो उसके सामने होता है उसको मारकर उनका एक अंगुली काटकर माला में जोड़ देता है, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध गांव वालों की बातों को ध्यान से सुना और जंगल की ओर जाने लगा, तो गांव वालों ने उनको जंगल में जाने से बहुत रोका, क्योंकि वे सभी इस बात से चिंतित हो उठे कि वहां जाने से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाते। महात्मा बुद्ध ने किसी की बात को न मानकर शांत भाव से जंगल की ओर चल दिया। कुछ समय में वह जंगल पहुंच गए और अत्यंत निश्चिंता के साथ जंगल में चले जा रहे थे, तभी उनको पीछे से जबरदस्त कठोर आवाज सुनाई दिया, ठहर जा, कहां जा रहा है। भगवान बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से एक बार फिर जोरदार आवाज आई, मैं कहता हूं रुक जा। बुद्ध रुक गए, मुड़कर देखा तो एक खूंखार व्यक्ति दैत्य के समान खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें और हाथ में तलवार लिए बुद्ध को घूर रहे थे। उनके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। बुद्ध शांत वो मधुर स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा और देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि बुद्ध के चेहरे में जहां से भी भय नहीं थी, जबकि लोग उसे देखते ही डर से थर थर कांपते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, देखो मैं कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहन रखा हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना, डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसकर बोला कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत 10 पत्ते तोड़ डाले और बोला, 10 पत्ते क्या, बोलो तो मैं उस पेड़ को उखाड़ कर ला दूं। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं, पेड़ को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उन 10 पत्तों को फिर से पेड़ में जोड़ कर आओ। अंगुलीमाल गुस्से से लाल होकर बोला, भला टूटे हुए पत्ते कहीं जुड़ सकते हैं। बुद्ध बोले, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते हो उसे तोड़ने का अधिकार किसने दिया, तुम एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते हो तो उसे काटने में क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल बुद्ध के बातों को सुनकर विचलित हो गए और उसे इस बात की आत्मग्लानी होने लगी कि उससे भी बड़ा कोई ताकतवर है। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने आप को उनका शिष्य बनाने का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को अपनी शरण में लेकर उसे अपना शिष्य बना लिया।